इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। आदमी आजाद है, आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है, देश भी स्वतंत्र है। राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है। जन के द्वारा जनता का राज है। प्रजातंत्र सबसे बड़ा, हम सबको नाज है। जन के लिए, जन के द्वारा जनता का राज है। प्रजातंत्र सबसे बड़ा, हम सबको नाज है। वोट छोटा सा है, शक्ति में अनंत है। अब तो प्रजातंत्र है। दोस्तों, इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश मेरे देश का वोटर में इस बार हम आपको लेकर चलेंगे झज्जर और कोसली। तो शुरू करें अपने चुनावी सफर को, ठीक है? आइए हमारे साथ। दोस्तों, झज्जर में हमारे कदम पड़ चुके हैं और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये कुछ मुझे लगता है कि यहाँ हमारी बातों का जवाब देंगे। सर, मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? हाँ जी, मेरा नाम है श्यामलाल सैनी। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये देखा है श्यामलाल जी कि यहाँ पर तो सड़कें वड़कें खूब बनी हुई हैं, बड़े बड़े गेट बने हुए हैं, यहाँ पर खूब तरक्की हो रही है। हरियाणा से अलग है क्या? नहीं, अलग क्यों है, झज्जर हरियाणा के अंदर ही पड़ता है। अच्छा, तो मैंने कई जगह ये देखा है कि कहीं जगह इनेलो का वर्चस्व है, किसी जगह आम आदमी पार्टी का है, जो शहर वाले लोग हैं। तो झज्जर में किसका आप जोर मानते हैं? देखिए, ये आप अपने विचार है, मैं हूँ काम के साथ, और कांग्रेस सरकार ने यादव के काम को आया, इसलिए हम कांग्रेस सरकार को ही वोट देंगे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाएंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जाटों का जो आरक्षण है ये हरियाणा में, उसके बारे में दोयम दर्जे का नागरिक क्यों माना जाता है? देखो जी, ये तो हमने पता नहीं पा कि हमने वोट देनी है दीपेंद्र हुड्डा को। अच्छा अच्छा अच्छा, वोट देंगे दीपेंद्र हुड्डा को क्योंकि इसने हमारे यहाँ पे बहुत काम करे हैं, और नहीं तो पहले ना तो भजन लाल ने करे, ना चौटाला ने करे, किसी ने भी कोई काम नहीं किए, इसलिए इसको वोट देना चाहते हैं। पर हरियाणा बटा क्यों हुआ है? बंसी लाल, भजन लाल, देवी लाल में इतना बटा क्यों हुआ है हरियाणा? वो ऐसा अपने अपने क्षेत्र में जो भी पहले बनता था, आप अपने में काम करते थे, इसलिए वो वैसे बट गया। हम भी अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री चाहते हैं। अच्छा अच्छा, आप भी अपने क्षेत्र के, तो आपका वोट भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा होगा। तो सर, हम थोड़ा सा और अंदर जाते हैं, एक बिल्कुल की आवाज़ आई। बिल्कुल की आवाज़ आई। सर, आप मुझे एक बहुत ही सटीक तरीके से बताइएगा कि क्यों क्यों हम लोगों को अलग अलग तरीके से बांटा जाता है कि ये यहाँ का वोट है, ये रोहतक का वोट है, ये झज्जर का वोट है, ये भिवानी का वोट है। तो आप हरियाणा का एक पूरा डेवलपमेंट क्यों नहीं देखा जाता एक तरीके से? जाति का वोट इतना महत्वपूर्ण क्यों लगता है? जाति का तो कोई महत्वपूर्ण, विकास के महत्वपूर्ण है। जिसने यहाँ पे विकास किया, दीपेंद्र हुड्डा ने विकास किया, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पर विकास किया, विकास किया। तो रोहतक और झज्जर का हम ये माने कि यहाँ पर वैसे तो सब जगह की है, लेकिन हमारे यहाँ इन्होंने बात को थोड़ा संभाल लिया है। काम तो सारी जगह की है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में देखो जो काम करते हैं वो तो थोड़ा बढ़ चढ़ के थोड़ा बहुत तो होता ही है। उनके जब मुख्यमंत्री थे तो वो अपने क्षेत्र में करते थे। हाँ। हमारे मुख्यमंत्री है तो थोड़ा बहुत तो बढ़ा के तो करेंगे। देखो, आप अपने घर में सब करते हैं। कांग्रेस और इनेलो में इस बार थोड़ा 36 का आंकड़ा है, तो आप लोगों ने ढाल वाल और तलवारें निकाली हुई है। आप क्या कर, जो वो बात आएगी तो वो बाद में देखेंगे। नहीं, ढाल। अच्छा, तैयारी पूरी है, सिर्फ वोट देनी है। अच्छा, वोट की तलवार से इस बार वार करेंगे। वोट की तलवार है, वोट की तलवार से इस बार वार होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई आपसी मतभेद नहीं है, और डेवलपमेंट के नाम पर वोट होगा इस बार झज्जर से। यहाँ पर ये कह रहे हैं, कुछ है ना, ये कह रहे हैं, केजरीवाल का भी थोड़ा सा जोर है, ये बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, झज्जर में आए और अगर ऑटो में नहीं बैठा तो आपने झज्जर के क्या मजे लिए? अंकल जी, आप मुझे एक बात बताएं। आपने तो, आपके सामने से तो पता नहीं कितने ही राजनीतिक सितारे सामने से निकल चुके हैं। पर आप मुझे ये बताएं कि इस बार वोट किसका जा रहा है आपका? हमारा वोट तो जो है चौटाला का है। चौटाला है? ऐसा क्यों है कि वो हरियाणा का बेटा माना जाता है और बाकी जो पार्टियां वो विदेशी पार्टियां मानी जाती है? ऐसा क्यों है? बाहर की एक चीज और है जी,
कि ये जो है ना कांग्रेस पार्टी जो है ये गरीबों की गद्दार है, गरीबों की गद्दार है। जमीनें प्राइवेट बिल्डर्स को दे दी, सबको दे, सरमाएदारी का राज है आज के दिन। पर यहाँ पर झज्जर में मैंने कुछ जगह देखा था कि इस दीपेंद्र हुड्डा का काफी जोर है। ये जाट पागल है जो लग रहे हैं, जमीन इनकी जो है महंगी कर दी, ये जमीन बेच के फिर कहाँ जाएंगे, जमीन बेचकर कहाँ जाएंगे, पैसे। कांग्रेस ने किसानों को पैसों का चस्का लगा दिया, तबाह कर दिया किसानों को कांग्रेस ने, किसानों को पैसों का चस्का लगा दिया कांग्रेस ने। हरियाणा का बेटा हरियाणा का बेटा नहीं रहा। अच्छा एक बार हम पूछते हैं, मैम आप मुझे बताएंगे, मैम आप मुझे ये बताएं कि इस बार महिलाओं का वोट किसको जा रहा है झज्जर से? हम तो जी चौटाला पार्टी को देंगे। चौटाला को ही देंगे? अच्छा मुझे यहाँ दीपेंद्र हुड्डा का थोड़ा सा जोर लग रहा था, उस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं जी कोई जोर नहीं, कोई जोर नहीं जी, कोई जोर नहीं है, कोई जोर नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, झज्जर में महिलाओं की सुरक्षाओं का सुरक्षा के बारे में क्या किया जा रहा है? सुरक्षा तो कहीं भी कौन है जी महिलाओं के लिए, ये मतलब दयनीय है, महिलाओं की सुरक्षा कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है जी। कौन सी पार्टी आ जाए, सुरक्षा कहीं भी नहीं है महिलाओं की, चाहे इनेलो भी आ जाए तो कौन सी आ जाओ। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा जो है यहाँ हरियाणा में सच में दयनीय है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि अगर आपके पति किसी और पार्टी को वोट देंगे तो आप तब भी इनेलो को वोट देंगी? हाँ जी हम इनेलो के ही हैं। अच्छा अगर परिवार का मुखिया अगर अलग किसी और को वोट देगा तब? कोई अलग से वोट नहीं देगा जी। अच्छा अच्छा तो ये तो हम ये मानकर चलते हैं कि बहुत 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 डिफरेंट चीज़ें होने वाली हैं। अच्छा मुझे एक बात बता, तू यूथ है, तेरा वोट किसको जा रहा है इस बार? मेरी वोट ही नहीं है, मेरी वोट ही नहीं है। हमने यहाँ 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 इस ऑटो का मज़ा लिया और झज्जर का लुत्फ उठाया और अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ऑटो से उतरकर हम पहुंचे हैं यहाँ पर चाय की चौपाल में और हमारे साथ हैं सर, मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? सैनी। अच्छा सैनी सर मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर झज्जर में हवा किसकी है? मैं वहाँ ऑटो में था, ऑटो में मुझे कह रहे थे कि इनेलो की, इनेलो के वो समर्थक थे, तो इनेलो और कांग्रेस का इस बार थोड़ा सा 36 का आंकड़ा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आंकड़े तो जी चलते रहते हैं, बाकी रिजल्ट ही बताएंगे जी। हाँ जी कौन जीत, किसकी जीत होती है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई, काम तो सभी ने किए हैं जी, करेंगे जी। अच्छा अच्छा तो यहाँ विकास कार्य मैंने काफ़ी देखे, यहाँ पर धर्मशाला बनी हुई है, यहाँ पर सड़क भी थोड़ी पक्की है, शहर थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है मुझे, पर किसका किसके बारे में जोर देख रहे हैं आप? इस बारे में जो सब चाहे मेहताब सिंह बताएंगे जी, मेरे सब बुजुर्ग हैं। अच्छा अच्छा हाँ ये ज़्यादा जानते हैं इस बारे में जी। इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।